हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लिविंग रूम में एक आदमी और औरत के बीच झगड़ा चल रहा होता है। मैंने तुमसे कहा ना, ये सारी की सारी पोस्ट अभी के अभी डिलीट करो। बट व्हाई? तुम मेरी पत्नी हो यार। हाँ, मगर दुनिया की नजरों में नहीं, समझे? मगर क्यों? अरे मैं एक मॉडल हूँ, अगर किसी को पता चल गया ना कि मेरी शादी हो गई है तो इंडस्ट्री में मुझे कोई काम नहीं देगा, समझ नहीं आता तुम्हें? अपनी मॉडल पत्नी के बार बार कहने पर बेचारा आदमी एक एक करके सारे फोटोज डिलीट कर देता है। सुजाता और विकास की शादी हुए अभी एक महीना हो चुका था, मगर फिर भी सुजाता अपने आप को शादीशुदा कहलाना पसंद नहीं करती थी। सुजाता एक मॉडर्न लड़की थी और मॉडलिंग में अपना नाम बनाने की कोशिश कर रही थी। वो हमेशा शॉर्ट ड्रेस पहना करती थी और देर रात तक पार्टियों में जाया करती थी। ऐसे ही एक दिन, सुजाता सुजाता, अरे क्या हो गया, क्या सुजाता सुजाता लगा रखा है? अरे मुझे एक कप चाय चाहिए यार, इसलिए मैंने तुम्हें पुकारा। क्या कहा, चाय? और वो भी मैं बनाऊं? हाँ तो तुम ही बनाओगी ना, और कौन बनाएगा? बिल्कुल भी नहीं, मैं एक मॉडल हूँ और प्लीज ना मुझे ये सुजाता के नाम से मत बुलाया करो, क्योंकि इंडस्ट्री में लोग मुझे सूजी के नाम से जानते हैं, तो प्लीज तुम भी वही कहा करो। तभी वहाँ उसकी सास उषा देवी आती है और कहती है, अरे बेटा थोड़ी देर रुक जा, मैं बना देती हूँ चाय तेरे लिए। प्लीज मम्मी जी, एक कप चाय है ना, मेरे लिए भी बना देना, मैं तो चली मेकअप करने। ऐसा कहकर सुजाता अपने कमरे में चली जाती है। वैसे तो विकास और उषा देवी को बहू के मॉडलिंग करने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उसका अपने घर के प्रति लापरवाह रवैया उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। ऐसे ही एक रात 10 बजे सुजाता मिनी स्कर्ट और लो टॉप पहनकर कहीं जा रही थी, तभी उषा उससे कहती है, अरे बहू रात के 10 बज रहे हैं और तू ये छोटे छोटे कपड़े पहनकर कहाँ जा रही है? मॉम मैं पार्टी में जा रही हूँ। बेटा इज्जतदार घराने की बहुएं इस तरह रात को बाहर नहीं जाती, समझा कर? और प्लीज मॉम, आपको हर बात में किचकिच करना बहुत जरूरी है क्या? ये सब मेरे काम का हिस्सा है, आपको तो कुछ पता भी नहीं है, आप ना बहुत नैरो माइंडेड हो। सुजाता ये क्या तरीका है माँ से बात करने का, वो तो तुम्हें तुम्हारी भलाई के लिए कह रही है। कोई बात नहीं बेटा, उसकी कोई जरूरी पार्टी होगी तो चिंता मत कर। सुजाता पूरी पार्टी करके सुबह सवेरे घर वापस आती है। गुड मॉर्निंग मॉम, आज आप इतना जल्दी कैसे उठ गई? उषा भी जवाब नहीं देती। अरे नहीं बात करनी तो मत करो ना, आई डोंट केयर, मैं तो चली सोने। जब वह सोकर उठती है तो देखती है कि विकास और उषा देवी खाना खा रहे हैं। सुजाता भी वहाँ आती है और कहती है, मॉम मुझे भी खाना दे दीजिए। उषा देवी उसके लिए खाना लेकर आती है। खाने को देखकर सुजाता चिल्लाने लगती है, व्हाट द हेल मॉम, क्या है ये सब, इतना ऑयली फूड, मैं कैसे खाऊंगी ये सब, आप जानती है ना कि मैं एक मॉडल हूँ। इतना कहकर वो थाली उषा की तरफ सरका देती है। बदतमीजी की भी हद होती है सुजाता, एक तो मेरी माँ ने तुम्हें खाना बना कर दिया, ऊपर से तुम उनसे इस तरह बिहेव कर रही हो। अरे तो क्या हो गया, क्या उन्हें मेरे प्रोफेशन के बारे में नहीं पता? अगर माँ के हाथ का खाना पसंद नहीं है तो तुम खुद क्यों नहीं बना लेती? ओ मैं बनाऊं? आखिर मैं एक मॉडल हूँ। अरे अरे बस ठीक है, अब जाने दो और झगड़ा मत करो, शांत हो जाओ। ऐसे ही कुछ दिनों बाद, सुनो सुजाता बहू, आज घर पर मेहमान आने वाले हैं, तुम ना जरा अच्छे से कपड़े पहन लेना। आप कहना क्या चाहती हैं मॉम? अरे बेटा मेरे कहने का ये मतलब है कि तुम साड़ी पहन लेना, ये जो तुमने कपड़े पहने हैं ना, इसमें से आधे से ज्यादा शरीर तो खुला ही रहता है। कुछ समय के बाद मेहमान आते हैं, सब लोग सुजाता के बारे में पूछते हैं। उषा सुजाता को आवाज लगाती है, सुजाता आती तो है मगर उसने वही छोटे कपड़े पहने हुए थे। भैया क्या पहन रखा है तुम्हारी बहू ने, बड़ी बेशरम है। क्यों
आपको मुझ में क्या बेशर्मी नजर आ गई भला? और ये जो तुम इतने छोटे छोटे कपड़े पहन के आई हो वो? हेलो मिस्टर मेहमान, मैं तो ऐसे ही कपड़े पहनूंगी क्योंकि मैं एक मॉडल हूँ। आपको आना है तो वेलकम, नहीं आना तो रास्ता कम, गेट लॉस। ओ उषा जी, आपकी बहू ना बेशरम होने के साथ साथ बदतमीज भी है। चलो यहाँ से, हमें नहीं रहना यहाँ पे। इतना कहकर मेहमान वहाँ से चले जाते हैं। मेहमानों के जाने के बाद उषा देवी कहती है, अरे बहू, माना कि तू मॉडल है पर कम से कम मेहमानों के सामने तो साड़ी पहन लेती। अरे अगर आपको कोई सीधी सादी बहू चाहिए थी तो विकास की शादी किसी गरीब सी लड़की से करवा देती ना। तुम्हें तो मालूम ही था ना कि मैं एक मॉडल हूँ। मैं एक मॉडल हूँ। ये लव सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। आज से तुम्हारा हर काम बंद। तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? मैं तुम्हारा घर छोड़कर अभी के अभी जा रही हूँ। इतना कहकर सुजाता अपना सारा सामान लेकर अपनी माँ के घर चली जाती है। अरे सुजाता बिटिया, तुम यहाँ और दामाद जी कहाँ हैं? माँ, उन लोगों को मेरा मॉडलिंग करना पसंद नहीं था। वो चाहते थे कि मैं सारा दिन वो साड़ी पहने रखूं और घर का काम करूं एंड ऑल, और मुझसे ये सब नहीं होता, इसलिए मैंने वो घर छोड़ दिया। सुजाता अपने मायके में रहने लगती है। ऐसे ही एक दिन सुजाता को उदास देखकर उसकी माँ पूछती है, अरे बिटिया क्या बात हो गई? देख रहे हैं हम आजकल तुम बहुत उदास नजर आ रही हो। माँ, वो बात ये है कि मुझे कुछ दिनों से काम मिलना बंद हो गया है। अरे बिटिया, काम काज में उतार चढ़ाव आवत रहत है, तब तक तुम ऐसा करो हमारे साथ घर के काम काज में हमारा हाथ बटाओ। ठीक है माँ। सुजाता धीरे धीरे करके घर के काम सीखने लगती है, साथ ही कभी कभी खाना भी बना लेती है। एक दिन सुजाता के पिताजी खाना खाते हुए खाने की तारीफ करते हैं। अरे वाह, आज तो बहुत ही बढ़िया खाना बना है। आज का सारा खाना हमारी बिटिया सुजाता ने बनाया है। देखा, मेरी बेटी मल्टी टैलेंटेड है, जो अपना काम और घर का काम दोनों बखूबी संभालती है। अपने पिता के मुंह से यह शब्द सुनकर सुजाता को बड़ी शर्म आती है। पापा, मेरे ससुराल में तो मेरी सासू माँ ही सारा काम संभालती थी, मैं तो बस खाना खाती थी और अपना काम संभालती थी। बेटी, मुझे तुझसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। हाँ पापा, आप सही कह रहे हैं, मुझे मेरे ससुराल वापस चले जाना चाहिए। हाँ बिटिया, तुम्हारा फैसला एकदम बढ़िया है। इस तरह सुजाता वापस अपने ससुराल लौट आती है। मॉम, विकास प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं अपना घर और मॉडलिंग दोनों को मैनेज करके चलूंगी। कोई बात नहीं बहू, गलती इंसान से ही होती है। हाँ सुजाता, अब मुझे तुमसे पूरी उम्मीद है कि तुम मुझे शिकायत का कोई मौका नहीं दोगी। इसके बाद सुजाता अपना घर परिवार और अपनी मॉडलिंग संभालते हुए सभी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।